हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिंग्स यार्ड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहां पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, रूमर्स, रेसलिंग शो रिव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि एडवर्टाइज था कि कोडी रोड्स किक ऑफ करेंगे मंडे नाइट रो को, हमें वैसा ही देखने को मिलता है। कोडी रोड्स किक ऑफ करते हैं और उसके बाद जजमेंट डे एंटर करती है। दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इस सेगमेंट के एंड तक एक ब्रॉल शुरू हो जाती है, जिसमें एक तरफ होते हैं कोडी रोड्स, केविन ओवंस, सैमी ज़ेन, रे उसो, और दूसरी तरफ होते हैं डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो। इस ब्रॉल के दौरान जेडी मैकडोना भी आते हैं जजमेंट डे को सपोर्ट करने, लेकिन इस ब्रॉल में अपर हैंड मिलता है कोडी रोड्स की टीम को और जजमेंट डे को वहां से भागना पड़ता है। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है एक हैवीवेट्स के बीच क्लैश, ओटिस और ब्रॉन्सन रीड। इन दोनों का मैच काफ़ी अच्छा था। इस मैच में ब्रॉन्सन रीड ने हराया ओटिस को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है तोमासो चैम्पा और लुडविक काइसर के बीच मैच। ये मैच तोमासो चैम्पा और गंथर की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था। और इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो तोमासो चैम्पा ने इस मैच में हरा दिया लुडविक काइसर को। नेक्स्ट शो पे हमें देखने को मिलता है एक वुमेन्स डिवीजन का मैच, जो कि हुआ टेगन नॉक्स और नटालिया के बीच। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो टेगन नॉक्स ने इस मैच में हरा दिया नटालिया को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं सेथ रोलिंस, जो कि रिंग में आते हैं और शिंसुके नाकामुरा से उनका जवाब मांगते हैं। उसके बाद शिंसुके नाकामुरा इन पर्सन तो नहीं पर स्क्रीन पे आते हैं और सेथ रोलिंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये मैच फास्टलेन के लिए ऑफिशियल हो चुका है एक स्टिपुलेशन के साथ। ये मैच होगा सेथ रोलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच फॉर द टाइटल, और ये मैच होगा एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। बाय द वे, इस मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, सेथ रोलिंस को या शिंसुके नाकामुरा को, हमें कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है NXT नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियनशिप के लिए मैच डोमिनिक मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के बीच। ये मैच भी काफ़ी अच्छा था और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स थे। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने हरा दिया इस मैच में ड्रैगन ली को और रिटेन कर लिया अपना टाइटल। इसके बाद हमें शो पे देखने को मिलता है एक और वुमेंस डिवीज़न का मैच नाया जैक्स वर्सेस जोई स्टार के बीच। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो नाया जैक्स ने हरा दिया इस मैच में जोई स्टार को। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मिस टीवी, जिसमें स्पेशल गेस्ट होते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर, और ये सेगमेंट एंड होते होते एक मैच ऑफिशियल हो जाता है ड्रू मैकइंटायर और कॉफी किंगस्टन के बीच। इस मैच में ड्रू मैकइंटायर ने आसानी से हरा दिया कॉफी किंगस्टन को। अब हम बात करते हैं हमारे मेन इवेंट के बारे में। तो मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप के लिए मैच केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस द चैम्पियंस द जजमेंट डे। इस मैच में जब सैमी ज़ेन और केविन ओवंस कंट्रोल में थे, तब आते हैं जेडी मैकडोना और वो इंटरफेयर करके सैमी ज़ेन को टाइटल से हिट करते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ेन पिन हो जाते हैं। और इस तरह से जजमेंट डे ने हरा दिया इस मैच में केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन को विद द हेल्प ऑफ जेडी मैकडोना। और इस मैच के बाद हमें फिर से ब्रॉल देखने को मिलती है, जिसमें एक तरफ होते हैं सैमी ज़ेन, केविन ओवंस, कोडी रोड्स, जे उसो, और दूसरी तरफ होते हैं द जजमेंट डे और जेडी मैकडोना। और इस ब्रॉल में भी एक बार फिर अपर हैंड मिलता है कोडी रोड्स की टीम को। और इसी के साथ आज का शो एंड हो जाता है। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, रूमर्स, रेसलिंग शो रिव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।